सो गाइस मुझे पता है कि आप ऑनलाइन से पैसे कमाना चाहते हो, बस दिक्कत ये आ रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सी वेबसाइट को पकड़े कौन सी वेबसाइट को नहीं पकड़े, क्योंकि यहाँ कमाने के तरीके बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए टॉप 10 ऐसी वेबसाइट जो आपको $100 डेली कमा के दे सकती है, 10 वेबसाइट टू अर्न $100 पर डे गाइस, यस गाइस, फ्रॉम ऑनलाइन। और ये बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो और उन 10 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को पिक करते हो और उस ऑप्शन पे काम करते हो तो 100% की $100 तो बहुत ज्यादा कम मैं बोल रहा हूँ, इससे भी कई ज्यादा आप अर्निंग करने वाले हो। तो बिलीव मी, अगर आपको भी अर्निंग करनी है ऑनलाइन से तो जस्ट इस वीडियो को लास्ट तक देखो और इन 10 वेबसाइट में से एक किसी वेबसाइट को चुनो। तो लेट्स गो ऑन माई कंप्यूटर। Hey, welcome back and I'm the best in the world as you know. So guys, जो पहली वेबसाइट है वो है Amazon Kindle, जो आप सामने देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि Amazon Kindle जो वेबसाइट है जहां से आप काफी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अब कैसे गाइस, ऐसे जब आप सोशल मीडिया पे वर्क करते हो, जब सोशल मीडिया पे आप इधर उधर सर्व करते हो और फीड्स को चेक करते हो, ब्लॉग्स पे जाते हो, ब्लॉग्स पढ़ते हो, तो ऐसे ही करके आप ब्लॉग्स और सोशल मीडिया के आर्टिकल्स को रीड करके यहाँ पर आके उन चीजों को मिक्स करके थोड़ा सा अपग्रेड करके अपना कंटेंट दे सकते हो और उस कंटेंट को आप सेल कर सकते हो, और अगर वो चलेगा तो आप काफी ज्यादा अच्छी अर्निंग करोगे। ऐसा कई लोग कर भी रहे हैं और अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो और यहां पर आप अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा आपके आर्टिकल का। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस ब्लॉग्स पे जाना है और प्लस आपको कुछ आर्टिकल्स रीड करने ऑन सोशल मीडिया और उसको उठा के किंडल पे ले आके रख देना है, बस यही आपका काम है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा और बिलीव मी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करके काफी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। बस काम यह है आपका कि आपको थोड़ा सा एक्शन लेना है, इस वेबसाइट तक पहुंचना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है, कुछ ब्लॉग्स पढ़ने हैं, कुछ आर्टिकल सोशल मीडिया पर पढ़ने हैं और यहां आके पुट कर देना है। बस इतना ही आपका काम है और आपको मिल जाएगा कुछ डिसेंट अमाउंट इस काम का। और इवन $100 बहुत ज्यादा कम है, मैं बता दूं, जैसा कि आप सामने देख रहे हो कि ऑल न्यू किंडल जितना है वो 7,999 रुपए का, ऑल न्यू किंडल पेपर वाइट जो जितना है वो 12,000 रुपए का, और किंडल ओसिस जितना है वो 21,000 रुपए का। तो आपको पता है कि कितना ज्यादा इसका स्कोप है और कितना ज्यादा आजकल लोग प्रीफर करते हैं किंडल को यूज करना। बोलूंगा कि आप किंडल पे आओ, अपनी चीजों को लिखो, आप इजी अच्छा खासा पैसे बना सकते हो ऑन किंडल। तो जो नेक्स्ट वेबसाइट है हम उस पे चलते हैं और उसकी बात करते हैं। सो गाइस, जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है अपवर्क, और आपको पता है कि अपवर्क में आप अपनी सर्विस दे भी सकते हो और लोगों को हायर भी कर सकते हो काम करने के लिए। तो अब आपको करना क्या, करना ये है कि आपको आना है अपवर्क में और अपनी वेबसाइट बनानी है, सॉरी अपना अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद लोगों तक अपनी सर्विस को पहुंचानी है। अगर उनको आपकी सर्विस अच्छी लगेगी तो आपको अपग्रेड किया जाएगा, इट मीन आपको रैंकिंग दी जाएगी और आपका नाम यहां से शुरू होगा बनना। जब आपका नाम यहां से बनना शुरू होगा तो अच्छे खासे लोग अपवर्क पे आते हैं और लोगों को हायर करते हैं। अगर कोई बड़ा क्रिएटर या बड़ा बिजनेसमैन या बड़ा एंटरप्रेन्योर आपको देख लेता है और आपके काम को देख लेता है तो हो सकता है वो आपको किसी अच्छे खासे इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व करा ले या आपको वहां से हायर कर ले, और यहां से आपको हायर करने के बाद आपको काफी अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। बिकॉज ये जो वेबसाइट है टोटल डिपेंड है स्किल पे, ना कि किसी रिजल्ट पे, ना कि किसी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे या किसी और चीज पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो आप बहुत अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो अगर आप यहाँ पर सर्विस देना स्टार्ट करते हो तो। और बेसिक से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप लोगों डिजाइन कर सकते हो, आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो जो आजकल बहुत ज्यादा इजी है लोगों के लिए, कंटेंट लिख सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग के टिप्स दे सकते हो और बहुत सारी ऐसी चीजें। तो अपवर्क भी एक ऐसी वेबसाइट है जहां से $100 के आप $100 से बहुत ज्यादा ऊपर बना सकते हो, और बहुत सारे ऐसा लोग कर भी रहे हैं, ये कोई एक नई चीज नहीं है। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट वेबसाइट। जो नेक्स्ट वेबसाइट है दैट इज कॉल्ड फ्लिपा। गाइस, फ्लिपा में आपको क्या करना है, फ्लिपा में आपको बहुत ज्यादा इजी काम करना है। इजी काम क्या करना है कि आपको सोशल मीडिया पे शेयर करनी है, सोशल मीडिया पे इधर उधर घूमना है और लोगों के वेबसाइट, एप्स, डोमेन्स ये सब कलेक्ट करना है और यहाँ लाके सेल कर देना है। आपने सही समझा, फ्लिपा, फ्लिपा के मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि फ्लिप करना। तो आपको क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म से उठा के दूसरे प्लेटफॉर्म पे चीजों को फ्लिप कर देना है और वहां से आपकी सेलिंग आएगी और आपको अर्निंग होगी। करना यह है कि कहीं से भी आपको आपका वेबसाइट, डोमेन या कोई किसी का हो या किसी का ना हो या खुद का हो, उसको उठाना है और फ्लिपा पे लाके रख देना है और फ्लिपा पे वो चीज सेल हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही महंगी महंगी चीजें सेल हो सकती हैं। आप आके यहाँ देख सकते हो स्टार्ट सेलिंग एंड वैल्यू माई बिजनेस को पूरा अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी सेल कर सकते हो, लाइक डोमेन, ई-कॉमर्स एंड आपका हो गया एप्स, ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब जो भी आपके ऑनलाइन में चलती हैं वो चीजें, ना कि फिजिकल चीजें, ओके। और इवन फिजिकल चीजों का भी यहाँ पर
पर कुछ है, लेकिन उसके बारे में मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा कि फ्लिपा पे आपको आके थोड़ा सा सर्च करना है, और ज्यादातर ये काम आती है वेबसाइट सेलिंग के लिए। और आपको देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लिस्टिंग है जो $100 से लेके $1,000, $1,000 से $5,000, $5,000 प्लस है, तो आपको पता होगा कि इन वेबसाइट में कितना ज्यादा ट्रैफिक आता होगा, कि इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। तो अगर आपका भी वेबसाइट है या किसी और आपके दोस्त का है या आपने कहीं से जुगाड़ लिया है सोशल मीडिया से, तो आप लाके वहाँ यहाँ पर उसको फ्लिप कर सकते हो और यहाँ से सेल करके काफी अच्छा खासा अमाउंट निकाल सकते हो, उसको भी दे सकते हो और आप भी ले सकते हो। तो फ्लिपा इज द गुड ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट वेबसाइट पे। तो नेक्स्ट वेबसाइट जो है गाइस वो है क्रैगलिस्ट। क्रैगलिस्ट से आप काफी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, और ये भी एक फ्लिप वेबसाइट है, बट यहाँ पर आपको वेबसाइट ऐप और ऐसी चीजें नहीं प्रमोट करनी है जो ऑनलाइन में, यहाँ फिजिकल चीजें भी प्रमोट कर सकते हो। फिजिकल चीजें ही ज्यादातर यहाँ पर प्रमोट होती हैं, लाइक आपके कुछ भी पुराने चीजें चीजें जो आप लगता है खराब हो चुके हैं और या आपके यूज में नहीं है, तो आप यहाँ आके उसको लिस्ट कर सकते हो और अपने एरिया के अकॉर्डिंग ढूंढ के लोगों को सेल कर सकते हो। तो क्रैगलिस्ट बहुत अच्छा है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करता है, आपके एरिया के लेवल पे भी काम करता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको $100 या $1,000 बनाना है, तो आप क्या करो, आप इधर उधर अपने मार्केट के पास जाओ या अपने दोस्तों के पास जाओ और उनके पास देखो कि कुछ खराब चीजें पड़ी हुई हैं या वो जो यूज नहीं कर रहे हैं वैसी चीजें पड़ी हुई हैं, तो उसको लेके आओ, क्रैगलिस्ट पे लिस्ट कराओ और सेल करो, और यहाँ से 1,000 नहीं 2,000 नहीं 5,000 या $10,000 भी आप मंथली बना सकते हो, बिकॉज लोग बना रहे हैं। और क्रैगलिस्ट एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, चाहे आप सीपी मार्केटिंग करते हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, चाहे आप फ्लिपिंग मार्केटिंग क्यों ना करते हो, हर चीज में आपको क्रैगलिस्ट काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक क्रैगलिस्ट को यूज नहीं किया तो प्लीज यूज क्रैगलिस्ट। जो नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास, दैट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। गाइस ब्लॉगिंग का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, एंड आपको पता भी है कि ये बहुत ज्यादा फेमस है इन इंडिया और कंट्री। तो ब्लॉगिंग में आप अर्न कर सकते हो एडसन के थ्रू एंड एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप जा सकते हो blogger.com पे या Wix पे, दोनों ही फ्री साइट्स हैं, और वहां जाके आप अपना ब्लॉगिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हो। ब्लॉगिंग का करियर स्टार्ट करने में बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है, लाइक हम लिखे तो लिखे क्या। तो गाइस आप अपना डेली रूटीन बता सकते हो, आप अपना कहीं घूमते हो, स्कूल से आते हो जाते हो तो वो चीज बता सकते हो, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, कोई आपका पर्टिकुलर नीश है तो उस चीज में उस चीज के बारे में बता सकते हो, और यहाँ आप एडसन के थ्रू उस चीज को मोनेटाइज कर सकते हो। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है एफिलिएट मार्केटिंग, उसके थ्रू आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे आपको चीजें मिलेंगी लाइक स्पॉन्सरशिप एंड ऑल, जहां से आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करके काफी अच्छी खासी अर्निंग निकाल सकते हो। तो ये आपके पास था पांचवा ऑप्शन। जस्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड छठवा ऑप्शन, एंड दिस इज माय फेवरेट थिंग, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। यस गाइस, अगर आप इंडिया से हो और आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, मुझे पता है कि आप लोगों को अगर एफिलिएट मार्केटिंग कभी भी इंट्रोड्यूस कराया गया होगा, तो फर्स्ट जो चीज आपको इंट्रोड्यूस कराई गई होगी, दैट इज कॉल्ड Amazon Affiliate। तो Amazon Affiliate एक बहुत ही ज्यादा फेमस है इन इंडिया में, और मैं भी आपको ये बोलूंगा कि अगर आप एफिलिएट स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास अच्छी खासी ट्रैफिक है और आप थोड़ा सा अपना दिमाग को लगा के क्रिएटिव बना के अर्निंग करना चाहते हो, तो आप Amazon Affiliate को ज्वाइन कर सकते हो। अब करना क्या है, आपको यहाँ से कुछ प्रोडक्ट उठाने हैं और Facebook का जो एड है उस पर आपको एड चलाने हैं विथ लैंडिंग पेज एंड ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर। बस ये दो चीज की हेल्प से आप काफी ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जाओ ब्लॉग लिखो या बड़े बड़े रिव्यूज दो और वहां पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो, देन कोई आएगा तो खरीदेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको बैठना नहीं है, आपको खुद अपने कस्टमर तक जाना है, आपको यूज करना है फेसबुक एड्स। फेसबुक एड में आपको टारगेट करनी है अपने कस्टमर्स को, और क्या करना है, ये जो आपके बेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनको आप पसंद करते हो, आपको लगता है ये सेल होंगे, उन प्रोडक्ट को उठाना है और अपने लैंडिंग पेज पे रखना है, और बस उस लैंडिंग पेज को ऐड करना है, एड्स चला देने हैं, पेड एड्स विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड, बस इतना ही काम करना है, और लोगों के डाटा को कलेक्ट करना है एज अ ईमेल रिस्पॉन्डर। ठीक है, तो वो ईमेल मार्केटर, सो आप वहां से उनके डाटा को भी कलेक्ट कर लोगे और अपनी चीजों को भी सेल कर दोगे, और बाद में जब जरूरत पड़ेगी सेल करने की तो ईमेल के थ्रू भी आप उनको सेल कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप एफिलिएट बनाते हो तो यहाँ $100K भी बना सकते हो, ना कि सिर्फ $100। तो ये आपका जो छठवा ऑप्शन है, आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन। जो वेबसाइट है दैट इज कॉल्ड JVZoo। गाइस JVZoo में आप आके सॉफ्टवेयर को सेल कर सकते हो, ये भी एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट है जहां से आप अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर को सेल कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहां पर आपको डायरेक्ट जो कमीशन होता है वो आपके पेपाल में आ जाता है कुछ ही समय में। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री है, और मैंने जितनी भी वेबसाइट अभी तक बताई है सब फ्री है। ये आई थिंक दिस इज द सेवंथ वेबसाइट, एंड सातों की सातों वेबसाइट फ्री है ज्वाइन करना, और सातों में काम करना भी फ्री है। तो JVZoo में आप अपने सॉफ्टवेयर को
ब्रिंग कर सकते हो और उसके बाद सेल कर सकते हो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स तक ले जाके। तो गाइज ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है कि जेवीजू को आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आपको रेकरिंग इनकम मिल जाती है जो काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट देती है लॉन्ग टर्म में, बिकॉज आप जितने भी प्रोडक्ट को सेल करते जाओगे उनका कुछ रेकरिंग इनकम बनते जाएगा। तो एक टाइम में अगर आप जेवीजू पे काम करना बंद भी कर सकते हो तो उससे आपको रेकरिंग इनकम आएगा। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड जेवीजू, और ये भी बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है। नेक्स्ट जो चीज है गाइस दैट इज कॉल्ड फेसबुक मार्केट प्लेस, जो बहुत ज्यादा इस समय फेमस हो रहा है और आपको इसको यूज करने आना चाहिए। आई नो बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में बट इसको यूज करने नहीं आता, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप मार्केट प्लेस में थोड़ा सा अपना टाइम दें एंड मार्केट प्लेस में जो कुछ ऑप्शन है ब्राउजर ग्रुप्स बाइंग सेलिंग एंड सेव्ड आइटम, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दें और सेल समथिंग करके जो ऑप्शन है उस पर कुछ सेल करने की कोशिश करें, वो देखने के लिए नहीं है। तो प्लीज गो एंड ट्राई टू सेल, बिकॉज जो मार्केट प्लेस है इसका जो रीच है वो बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ पर लोग ये कुछ भी जो इमेजेस हैं ये आपको लग रहा है वो लोग खींच के डाले हैं, फोटो खींचे हैं फिर डाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उठाते हैं इंटरनेट से और डाल देते हैं और बिलीव मी काफी अच्छी चीजें सेल भी होती हैं। तो यहाँ आप अपने आप को या अपने प्रोडक्ट को आगे शो कर सकते हो। अगर आपको सर्विस भी देनी है जैसे कि मैंने बताया कि आप अपवर्क पे काम कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने सर्विस को भी दिखा सकते हो और बिलीव मी ऐसा काम होता है और यहाँ आप कुछ भी सेल कर सकते हो। मार्केट प्लेस की रीच बहुत ज्यादा है और ये जो रीच है वो है आपके जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ना कि $100 और डे $100 से कई ज्यादा। तो गाइस नेक्स्ट वेबसाइट है जिसका नाम है मैक्स बॉन्टी, एंड गाइस मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता है मैक्स बॉन्टी के बारे में और यहाँ पर जो अपना चैनल है यहाँ पर सारे लोगों को पता है मैक्स बॉन्टी के बारे में कि मैक्स बॉन्टी क्या है। मैक्स बॉन्टी भी एक एफिलिएट नेटवर्क है बट ये आपको साइनअप्स के पैसे देता है और बिलीव मी अगर आप साइनअप कराने में बेस्ट हो तो आप मैक्स बॉन्टी से काफी अच्छा खासा रेवेन्यू निकाल सकते हो, बिकॉज मैक्स बॉन्टी एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको इंस्टेंट पैसे देगी बट आपको इंस्टेंट काम भी करना पड़ेगा। यस गाइस, इसका मतलब ये कि आपको थोड़े पैसे इसमें लगाने पड़ेंगे, ये फ्री वेबसाइट नहीं है। यहाँ अगर आप सोचो कि बिना पैसे खर्च के काम हो जाए तो यहाँ पर ऐसा काम नहीं हो पाएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा और थोड़ा एफर्ट और प्लस आपका माइंड, तब जाके आप मैक्स बॉन्टी से पैसे निकाल पाओगे। और मैक्स बॉन्टी से पैसे निकालना थोड़ा ईजी है बट थोड़ा ट्रिकी है, अगर आपको उस ट्रिक्स का पता चल जाए तो आप पैसे निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ साइनअप्स लाने पड़ते हैं और कुछ नहीं करना पड़ता है और प्लस आपको अपना पैसा लगाना पड़ता है। तो मैक्स बॉन्टी को भी आप ट्राई कर सकते हो एज अ ऑनलाइन वेबसाइट, एज अ ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट, और बिलीव मी ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जो लास्ट ऑप्शन है, जो 10th ऑप्शन है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं आपको बोलूंगा कि आपको भी करना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते हो तो आपको जो 9 ऑप्शन मैंने दिए उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करो जो आपको सबसे ज्यादा ईजी लगता है और उससे ट्राई करो ऑनलाइन अर्निंग करना, और अगर आप किसी एक को भी चूज करते हो तो आप काफी अच्छी खासी अर्निंग करोगे बिलीव मी, क्योंकि हर वेबसाइट पोटेंशियल रखती है आपको $1,000 $2,000 $3,000 रेगुलर बेसिस पे देने का। बस डिपेंड करता है कि आप पे, कि आप कितना उसमें दम मारते हो, कितना ज्यादा काम करते हो, कितना ज्यादा एक्शन लेते हो। जो लास्ट वेबसाइट है दैट इज कॉल्ड यूट्यूब। यस गाइस, यूट्यूब अभी बूम पे, आपको पता है पूरा 2017-2016 से बहुत ज्यादा बूम पे है यूट्यूब, जब से इंटरनेट का एक बहुत बड़ा क्रेज आया है इंडिया में। तो वेबसाइट और ब्लॉगिंग और यूट्यूब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं और हर कोई आज करना चाहता है। तो अगर आप भी अभी तक अपना वेबसाइट या यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किए हो तो मैं आपको हार्डली बोलूँगा कि आप भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगा बट मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपको करना चाहिए। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपके पास और भी ऑप्शन है, जो 9 ऑप्शन मैंने बताया उसमें किसी में भी एक में आप मास्टरी हासिल करके काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और बिलीव मी ये बहुत ही ज्यादा इजी चीज है, मैं बहुत ज्यादा हार्ड या कोई रॉकेट साइंस बताने की कोशिश आपको नहीं करता हूं, वही चीज बताने की कोशिश करता हूं जहां से आप इजी अच्छा खासा धन कमा लें। यस गाइस, शुद्ध हिंदी, धन कमा लें। यस गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। तो अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो मैं आपको बोलूंगा ये 10 ऑप्शंस आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, और कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाओ और काम स्टार्ट करो। अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे, यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे यहाँ पर संपर्क कर सकते हो, यहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझे हाय लिख के भेज सकते हो, जहाँ मैं आपको रिप्लाई करूंगा और 100% आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि आप ऑनलाइन से अर्निंग कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय, जय हिंद।